कैसा है तू? बस बढ़िया यार। आज कैसे रास्ता भूल गया? कुछ नहीं यार, वो यहीं से पास से जा रहा था तो सोचा तुझसे मिलता हुआ चलूं, बस इसलिए। 24 घंटे काम में बिजी रहने वाले इंसान को फाइनली अपने दोस्त के लिए टाइम मिल गया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे तो पता ही है ना काम में कितना बिजी रहता हूँ। हाँ पता है, तू काम को लेके बहुत सीरियस है, इसलिए तेरे को कभी कंप्लेंट नहीं करता ना तुझे कुछ बोलता। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा चाय लोगे या कॉफी? अरे नहीं नहीं भाभी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से चलता फिरता ऐसे ही आ गया, सोचा संजू से मिल लूँ, पानी पी लूँगा। वैसे संजू ना मुझे बताते रहते हैं तुम्हारे बारे में, और तुमने जो नया काम स्टार्ट किया है कि तुम उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो, 17-18 घंटे काम करते हो तुम। यार हंसी मजाक की बात नहीं है इतना काम करना और इतनी मेहनत करना, मुझसे तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ भाभी, वो काम स्टार्ट किया है तो शुरू शुरू में तो टाइम देना ही पड़ता है। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुक, पहले ये बता क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान है तू? नहीं कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। देख मेरे से मत छुपा, बचपन का दोस्त हूँ तेरा, अच्छे से जानता हूँ, बात बता क्या बात है। मैंने भूला ना यार, कुछ भी बात नहीं है। देख इससे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, बता कितने पैसे चाहिए? एक लाख रुपए, अगर और चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन मैंने तुझसे पैसे तो मांगे ही नहीं थे ना। मांगेगा तभी पता चलेगा क्या यार, दोस्त हूँ तेरा, बचपन से साथ हूँ तेरे, तेरी शक्ल देख के पता चल जाता है। थैंक यू यार। अच्छा थैंक यू बोलेगा? तूने मेरे लिए बचपन से आज तक क्या क्या किया, मैंने कभी तेरे को थैंक यू बोला? नहीं। फिर तू क्यों बोल रहा है? और देख परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा ये याद रखियो कि तेरा ये दोस्त हमेशा तेरे साथ है, तो हिम्मत नहीं आनी तुझे। सही कह रहा है यार, तेरे जैसे दोस्त के होते हुए कोई कैसे हिम्मत हार सकता है। चल ध्यान रख तू अपना, ध्यान रखिए अपना। बाय यार। नमस्ते भाभी जी। एक बात बताओ, दीपांशु ने तो तुम्हें बोला ही नहीं था कि उसे पैसों की जरूरत है, तो तुम्हें कैसे पता चला? जैसे तुम्हें पता चल जाता है, अगर मैं कभी परेशान होता हूँ या मुझे कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें पता चल जाता है ना कि क्या बात है, क्योंकि हमारा दिल से रिश्ता है और ऐसा ही रिश्ता कुछ मेरा दीपांशु के साथ है। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो उसके चेहरे को देख के पता लगा लेता हूँ कि उसे क्या चाहिए, वो किसी प्रॉब्लम में है या क्या है। तुमने देखा नहीं उसका फेस कितना परेशान लग रहा था, और तुम्हारे सामने बोल भी नहीं पा रहा था, और शायद वो बोल भी नहीं पाता। तुम्हें पता है दीपांशु सिर्फ एक ऐसा दोस्त है मेरा जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहा है, तो अगर वो आज मुसीबत में है तो मेरा भी तो बनता है ना कि मैं उसकी मुसीबत में उसका साथ दूं। और वो अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि वो खाना तक खाना भूल जाता है। देखो ना 16-18 घंटे काम करना, और आज भी पक्का उसे अपने काम के लिए ही जरूरत होगी पैसों की, इसलिए वो यहाँ आया था। और वो दोस्ती ही क्या जिसमें बोल के मांगना पड़े, दोस्ती तो यार दिल से होती है ना। सही कहा। अच्छा तुम बताओ मुझे क्या चाहिए? तुम्हें ना अपना लंच चाहिए, तुम्हें भूख लग रही है, लेके आओ ना जल्दी।